नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सी वाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे चंद्र राहु की युति ग्रहण योग के बारे में। चंद्र राहु जब एक साथ आते हैं तो ग्रहण योग बनता है, और ये जो ग्रहण योग है वो हमारे जीवन में क्या इफेक्ट देता है और इसके क्या मतलब रिजल्ट क्या आते हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस युति को पितृ दोष भी कहते हैं, कुछ लोग इसे ग्रहण योग भी कहते हैं। तो ये जो चंद्रमा है वो माता का कारक है। चंद्रमा जो है वो एक जलीय राशि है, और चंद्रमा जो है वो देवताओं में आते हैं। राहु है वो पापी ग्रह है और शत्रु राशि है चंद्रमा की, यानी कि राहु और चंद्रमा जो है वो एक दूसरे के अति शत्रु है। राहु नास्तिक ग्रह है, चंद्रमा जो है वो मातृ कारक ग्रह है, माता का कारक है, वो देवताओं में विश्वास रखने का कारक है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ आने से एक मतलब दुर्भाग्यपूर्ण योग ही बनता है। तो जब ये योग बनता है तो इसके लक्षण क्या है, कैसे मतलब क्या किसी जातक के साथ होता है, वो क्या क्या चीजें हैं। तो एक तो ये मानसिक परेशानी देता है, मानसिक कष्ट देता है, और ग्रह कलेश को दिखाता है, भय को, डर को, यानी कि अचानक एकाएक किसी एक चीज से जातक को बहुत ज्यादा भय होना, यानी उससे डरना, और निराशा का कारक है, और कार्यों में असफलता, मतलब कोई भी कार्य करे उसमें असफलता को ये दर्शाता है। इसके जो रिजल्ट है वो भावों के अनुसार आते हैं, तो लेकिन जो मेनली जो माने गए हैं वो रिजल्ट बताता हूँ। भौतिक सुखों की चाह जो है वो ज्यादा हो जाती है, और ये जो व्यक्ति है वो दिखावे में चला जाता है, यानी कि वो दिखावा ज्यादा करता है और एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। कई बार ये जो योग है वो इतना प्रबल होता है कि जातक आत्महत्या की प्रवृत्ति तक पहुंच जाता है, और ये एक मतलब बहुत ही नेगेटिव सोच रखने वाला। तो आपके सामने ये जो जन्म कुंडली है इसमें जो चंद्र और राहु की जो युति है वो चौथे भाव में बनी है, और चौथा भाव जो है वो माता का कारक है, और चौथे भाव में धनु राशि आ रही है जो चंद्रमा की मित्र राशि है और राहु की सम राशि है, क्योंकि राहु और गुरु जो है उन दोनों का संबंध जो है वो सम है, ना मित्रता है ना शत्रुता है। तो चंद्रमा जो है वो चौथे घर में धनु राशि में 9.53 डिग्री मूला नक्षत्र तीसरे चरण में है, और राहु जो है वो 14.19 डिग्री आपके पूर्व साढ़ा नक्षत्र में पहले चरण में है। तो मैंने कई वीडियो बनाए हैं योगों पे, तो मैंने एक सिंपल बात कही है कि कोई भी योग जब तक वो योग नहीं माना जाता जब तक कि उसकी जो डिग्री की जो दूरी है वो मतलब विद इन 2, 3 और 4 डिग्री में होना चाहिए। जैसे अभी देखिए चंद्रमा और राहु की डिग्री में 5 डिग्री का अंतर है और नक्षत्र भी चेंज हो जा रहा है। तो अब ये दोनों वो योग नहीं बना रहे हैं जो योग एक्चुअल में बनना चाहिए था, तो अब ये सिर्फ दिखाने के लिए योग है, एक्चुअल में इन दोनों का कोई संबंध नहीं हो रहा है। राहु जो है वो अलग ही रिजल्ट दे रहा है और चंद्रमा जो है वो अलग दे रहा है, क्योंकि राहु जो है वो आपके पूर्व अषाढ़ा नक्षत्र में है, और पूर्व अषाढ़ा जो नक्षत्र है वो शुक्र देवता का है, और चंद्रमा जो है वो है मूला नक्षत्र में, और चंद्रमा मूला नक्षत्र में है तो मूला का जो देवता है वो केतु देवता है। तो दोनों के जो नक्षत्र लोड है वो चेंज हो गए, इसकी वजह से दोनों के जो रिजल्ट है वो भी भिन्न आने हैं, चेंज आने हैं। तो इसका मतलब है कि ये योग अब इसमें फलित नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी है कि योग फलित भी हो जाता है अलग तरीके से, तो उसके भी अलग अलग कारण है, लेकिन अगर सिंपल वे में देखें तो ये योग यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। लेकिन अभी हम इसको फलित करके देखते हैं, इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो याद रखिएगा कोई भी योग हो वो अपना जो रिजल्ट है वो अपनी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाओं में देता है, और योगों का जो रिजल्ट आता है वो बेस्ट रिजल्ट जब आता है वो है कि एक प्लेनेट की दशा होती है और एक प्लेनेट की अंतरदशा होती है। यानी कि मान लीजिए चंद्रमा जो है उसकी अगर
माँ दशा चल रही है तो राहु का जब अंतर आएगा तो रिजल्ट जो है वो बहुत जबरदस्त आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, चंद्रमा की जो दशा है वो 18/12/2019 से शुरू होनी है, तो उसमें अगर देखिए यहाँ पे राहु है तो राहु का जो अंतर है वो 18/5/2021 में आएगा। यानी कि अगर यो योग बनता है, अगर ये योग बनता है तो ये रिजल्ट भी अपना इस समय पूर्णतः जबरदस्त तरीके से देगा, नहीं तो वो अपना जो रिजल्ट है वो कम देगा। तो ये जो चीज है ये हमेशा याद रखने के लिए है कि योग डिग्री वाइज आप देखें और उसका जो रिजल्ट कब आ रहा है, यानी कि उसकी जो महादशा अंतरदशा कब मैच हो रही है तब रिजल्ट आता है। एक उसका गोचर में भी रिजल्ट आता है कि जब इस योग के ऊपर राहु की दृष्टि आ जाए या राहु इससे डिग्री संबंध इसके घर के ऊपर आए, जैसे कि राहु मान लीजिए धनु राशि में ही गोचर कर रहा हो और धनु राशि में ये योग आपकी कुंडली में बना हो, तब भी आपको रिजल्ट इससे मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसमें रिजल्ट निकालते हैं तो चंद्रमा जो है वो मूला नक्षत्र में, मूला जो नक्षत्र है वो केतु महाराज का है और उप नक्षत्र जो है वो शनि का है। तो चंद्रमा जो है वो क्या रिजल्ट देता है, चंद्रमा यहाँ पे चौथे घर में बैठा है और ग्यारहवें घर का मालिक है, तो दोनों ही अच्छा घर है, बहुत अच्छा है। लेकिन केतु केतु जो देवता है वो दसवें घर में बैठे हैं और जो जिस राशि में बैठे हैं, क्योंकि केतु जो है वो छाया ग्रह है और केतु जो है वो बुध के राशि में बैठे हैं, तो बुध देवता जो है वो लग्न के मालिक है और छठे घर में वो विराजमान है। तो केतु महाराज जो रिजल्ट देंगे वो पहले छठे और दसवें घर का रिजल्ट देंगे। तो चंद्रमा जो है वो अपने रिजल्ट भी देगा और अपने नक्षत्र के रिजल्ट भी देगा। तो ये जो रिजल्ट बनता है ये क्या बनता है, ये जो रिजल्ट बना है ये बना है कि चंद्रमा बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी जो जो नॉर्मल भौतिक लाइफ है उसके लिए अच्छा है, और लेकिन हमारी जो मैरिज लाइफ है उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मैरिज को रोकता है, मैरिज में बाधाएं डालता है, मैरिज को वो डिनाई करता है और डिवोर्स तक की कंडीशन में ले जाता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो केतु के नक्षत्र में होने के कारण केतु ने उसको जो रिजल्ट दिया है वो दिया है छठे घर का और दसवें घर का, जो छठा जो घर है वो है सातवें घर का बारहवां घर, तो वो उसको पार्टनरशिप को तोड़ेगा, और दसवां जो घर है वो ग्यारहवें घर का बारहवां घर, तो वो भी पार्टनरशिप को तोड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये युति आपके लाइफ में बनती है ऐसी, और ये जो ये युति नहीं है, अगर कोई ऐसी युति बनती है तो इसका मतलब है कि ये युति आपके लिए मैरिज रिगार्डिंग प्रॉब्लम लाएगी। इसके अलग अलग रिजल्ट आते हैं, हर कुंडली में अलग रिजल्ट है, लेकिन जो इस कुंडली में जो रिजल्ट बन रहा है वो ये है कि चंद्रमा जब भी आएगा आपके मतलब दशा में, अंतर दशा में या जहां भी गोचर में, जब भी चंद्रमा पे कोई प्लैनेट इफेक्ट करेगा तो वो जो रिजल्ट देगा वो मैरिज रिगार्डिंग देगा, मैरिज को परेशान करेगा। जबकि नौकरी में वो चार चांद लगा देगा, नौकरी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन मैरिज के लिए वो टोटली डिनाई कर देगा, टोटली मैरिज को डिसमिस कर देगा। तो चंद्रमा ने ये रिजल्ट दी है। अब हम बात करते हैं राहु के, राहु देवता क्या रिजल्ट देते हैं। तो राहु जो है वो भी छाया ग्रह है, राहु चंद्रमा के साथ है, तो राहु जो रिजल्ट देगा वो चौथे घर के और ग्यारहवें घर के देगा। अब वो किस राशि में, गुरु की राशि में, तो गुरु महाराज की दो राशियां हैं, धनु राशि में है ही विराजमान और गुरु की जो मीन राशि है वो सातवें घर में आ रही है। तो चंद्रमा जो सॉरी जो राहु है वो रिजल्ट देगा चौथे घर का, सातवें घर का और आपके इसका बारहवें घर का, और हाँ चौथे बारहवें और सातवें घर का। अब राहु जो है वो पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में है, तो पूर्वा साढ़ा जो नक्षत्र है वो है आपके शुक्र देवता का, जो शुक्र देवता जो है वो दूसरे घर के मालिक है, पांचवें घर में विराजमान है और एक नवें घर के मालिक है। तो कुल मिला के जो रिजल्ट बनता है वो बनता है आपके चौथे का, सातवें का और बारहवें का और पांचवें का, दूसरे का और नवें का। तो ये जो रिजल्ट बन रहा है ये विदेश यात्राओं का रिजल्ट है, ये आपके करियर में एक मतलब बहुत ही उछाल का रिजल्ट है। राहु जो है वो
बेस्ट प्लेनेट बन गया है। राहु जो है वो बहुत योगकारक हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, इस युति को देख के राहु की शांति करा देते हैं, तो ये सरासर गलत है। राहु जो है यहाँ पे बहुत योगकारक, क्योंकि राहु जो है वो गुरु की राशि में बैठा है और शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। शुक्र इस कुंडली का सबसे योगकारक ग्रह, शुक्र भागेश भी है और धनेश भी है और बैठा है पंचमेश में। तो याद रखिएगा, इस कुंडली में शुक्र का रोल बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये जो राहु है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गया, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ है और चंद्रमा जो है वो 11वें घर का मालिक है, यानी गेन का, यानी लाभ का, और बेटा कहाँ है, चौथे घर में। तो इसका मतलब है ओवरऑल राहु जो है वो एक वैल्यूएबल प्लेनेट है इस कुंडली का। तो ये जो योग है, ये योग वो बुरा नहीं बन पाया जिसकी बातें करते हैं, तो ये योग जो है बहुत ही कारगर भी सिद्ध हो जाता है कई बार। जैसे राहु है तो इस कुंडली में राहु जो है वो विदेश यात्राएं भी करा देगा, क्योंकि चौथे घर में अगर कोई पापी ग्रह आ जाता है और उस घर का मालिक, यानी इस कुंडली में आप देखिए इस घर का मालिक जो है वो 12वें घर में, तो अब ये व्यक्ति विदेश यात्राएं करेगा और खूब सारा धन कमाएगा। और इसको ये जो सुख सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा मिलेगी और माता संबंधी प्रेम मिलेगा। नौकरी में चंद्रमा ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए ही हैं। हाँ, शादी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, तो अगर शादी से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो चंद्रमा की शांति बनती है, चंद्रमा के उपाय बनते हैं, राहु के कभी नहीं बनते। तो राहु जो है वो बुरा प्लेनेट एक्चुअल में नहीं है, उसको बना दिया गया, क्योंकि वो पापी ग्रह है और कई बार वो ज्यादा घरों के रिजल्ट दे देता है, क्योंकि वो छाया ग्रह है, तो उस वजह से राहु को ऐसे कर दिया। लेकिन आप अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे, प्रॉपर मेथड यूज लोगे, तो राहु जो है वो बहुत ही योगकारक ग्रह बन जाता है कई बार आपकी कुंडली में। और राहु की दशाओं लोगों को, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ज्यादा उछाल किया है या ज्यादा कुछ प्राप्ति किया है, तो 70% या 60% लोग मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने राहु केतु की ही दशाओं में प्राप्तियां की है। क्योंकि राहु और केतु जो है वो बड़े ही जबरदस्त प्लेनेट है, वो रातों रात हीरो बना देते हैं तो और रातों रात जीरो भी बना देते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि इन प्लेनेट की कैलकुलेशन करते समय हमेशा ही सटीकता का यूज करना चाहिए, जिससे कि आप कुछ गलत ना कर ले, जिससे कि आप कुछ गलत शांति ना करा दे, जिसकी वजह से आपके जो लाइफ में जो उछाल आना होता है वो उछाल कहीं ना कहीं दब जाए, वो उछाल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और आपको उस समय का फल ना मिल पाए। तो राहु और चंद्रमा की जो ग्रहण योग की जो युति है उसको आप समझे, क्या ये ग्रहण योग किस लिए बनता है। जैसे मैंने इस कुंडली में बताया, अगर ये ग्रहण योग बनता तो मैरिज के लिए बना है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं बना। तो आप एक प्रॉपर वे में इसका रिजल्ट निकालें और समझें कि इसका क्या रिजल्ट निकला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और कुंडली संबंधी कोई जानकारी हो और हमसे कोई कुंडली संबंधी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com, उस पर आप मेल कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 0729697-8417, इस पर आप कॉल कर लें और हम आपकी पूरी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे और एक अच्छी कुंडली एनालाइज करके देंगे आपको। तो धन्यवाद दोस्तों।